हम नहीं उठेंगे। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार कई दिनों से, दो महीने से ज्यादा के समय से राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कई बार आश्वासन मिला लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब इन अभ्यर्थियों ने सरकार को, प्रशासन को 7 दिन का वक्त दिया है कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए, नहीं तो महा आंदोलन होगा। तो जो समय है वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है, तो क्या कोई अधिकारी आया या कोई बात आगे बढ़ी? नहीं, हमें आश्चर्य होता है इस बात का कि जैसे हम लोग आज 75 दिन हो गए, आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपका। आज 75 दिन हो गए, हमारे हालात देख के पता चलता होगा कि हम लोग कितने संघर्ष कर रहे हैं। अभी इतनी धूप है, बारिश भी यहाँ लगातार होती रही है, इन सब मौसमों में हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए शिक्षा मंत्री जी या बेसिक के जो भी अधिकारी हैं, अगर हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं जो जानता ना हो, तो ये 69 शिक्षक भर्ती की लिस्ट अब तक ये जारी कर देते बाकायदा गुणांक और कैटेगरी सहित कि हाँ ये लिस्ट है, ये जो मांग कर रहे हैं गलत है। अगर हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, तो हमें हमारा अधिकार कब मिलेगा? बस क्वेश्चन हमारा यही है प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री से, हमारे मुखिया से और शिक्षा मंत्री से, अगर हम गलत हैं तो स्टेटमेंट जारी किया जाए, बाकायदा लिस्ट जारी की जाए कैटेगरी और गुणांक सहित कि ये लिस्ट है, यूआर का कटाव इतना है, यूआर के नीचे 18,598 ये पूरा होता है, 21% ये पूरा होता है, ये मांग गलत थी, मुझे हमने ये बताएं और हम लोगों को यहाँ से भगाया जाए। लेकिन अगर हम सही हों तो हम बार बार निवेदन करते रहे हैं, अपने जो हमारे समाज के जो नेता बनते हैं, गुलाम मंत्री जी जो हैं, सुदन देव सिंह, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दीदी अनुप्रिया पटेल, उन्होंने छोटे छोटे बड़े बड़े मंचों से कई बार हमारी बात रखी ज़रूर है, लेकिन कभी भी खुल के सपोर्ट करने के लिए अगर बात आई है तो उन्होंने ये अड़ा नहीं कभी कि नहीं इनका इनका हक दिलाइए हमारे भाइयों का, हमारे बहनों के, तब मैं आपको सपोर्ट करूँगी। मतलब बोल देना और करना। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो लोकेश प्रजापति जिन्होंने ये लिस्ट जारी की, उन्होंने बताया कि घोटाला हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कभी भी सार्वजनिक स्थल पर मीडिया के सामने उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हमने ये रिपोर्ट लगाई है, ये रिपोर्ट सही है, अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो हम इस पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो चीज़ें हमारे साथ हो तो रही हैं लेकिन पर्दे के पीछे से अधिकारी बोलते हैं आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपके बारे में काम किया जा रहा है, लेकिन कब तक? एक समय सीमा होती है, हर चीज़ का धैर्य होता है, हमारा भी धैर्य टूटेगा। हम गांधीवादी तरीके से कब तक आपका इंतजार करेंगे? जिस दिन हमारे अंदर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद अंदर आ गए ना, फिर हमें आप संभाल नहीं पाओगे। जैसे आप लोगों ने 7 दिन का जो समय दिया है, क्या वो पता तो चल गया है उनको कि कब तक आप लोग बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, तो क्या उस पर कोई जवाब नहीं आया? देखिए, सरकार एक संवेदनहीन और निरंकुश सरकार है, इसके लिए अगर संवेदना बची होती तो हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के शिक्षक हैं और उन्हीं के समाज से भी आते हैं। हमारी अगर उनको कुछ भी सहानुभूति होती तो 75 दिन से दिन और रात जो परिस्थितियाँ हैं हमने झेली हैं। सरकार के कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधिमंडल आता, हम लोगों से वार्तालाप करता तो शायद चीज़ों को कुछ निर्णायक स्थिति तक पहुंच सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती बेसिक शिक्षा मंत्री बयान देते हैं सदन में, नहीं मैंने कोई घोटाला नहीं किया। भाई, जो चोर होता है ना, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है। हाँ, अगर योगी जी आज भी, अगर अभी भी शर्म बची है, लोकतंत्र को शर्मसार होने से अगर आप बचा सकते हैं तो आज भी आपके पास मौका है। 5 तारीख शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। अगर आप बड़े हृदय वाले हैं, आप अगर योगी सम्राट हैं, देश को नई दिशा देना चाहते हैं, तो आप 5 तारीख को शिक्षक दिवस के मौके पर एक ऐलान कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि हमारे शिक्षक साथियों आप परेशान ना हो, हमारे समाज के लोग आप परेशान ना हो, हम आपकी ये व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन नहीं, मुझे अभी 5 तारीख आने दो, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। 6 को तो फिर जो होगा लखनऊ की सड़कों पे तांडव होगा, बहुजन समाज का तांडव होगा, ये पूरा देश प्रदेश देखेगा कि हक और अधिकारों के लिए जब भी आवाज़ आती है तो दलित, पिछड़ा, नौजवान, पढ़ा लिखा है, बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना अधिकार लेके भी जानता है और मौजूदा स्थिति में छीन के भी लेगा। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, यह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कह रहा है, जो कि मोदी द्वारा बनाया गया है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि यह बीजेपी सरकार, जो कि 2022 में चुनाव में जाने से पहले सितंबर अक्टूबर में हम लोगों ने पेपर में देखा कि यह एक पिछड़ा आयोग, पिछड़ा महासम्मेलन करने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे नेता केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह जाने वाले हैं उस महासम्मेलन में।
तो मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से को यह विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि आप मौर्य समाज से आते हैं और मौर्य समाज के इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 विद्यार्थियों को चोटें लगी। आपके आवास पे जब न्याय मांगने राहुल मौर्य जी गए, जो कि आपको चाचा कहते थे, उनका सर फोड़ा गया। उसके बाद जब ACRT पे धरना हो रहा था तो एक सैनी जी हैं जो कि मुरादाबाद से आते हैं, आप ही के समाज के हैं, मौर्य बिरादरी से, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जो कि आज भी बेड रेस्ट पे हैं। और मुक्ता कुशवाहा को तो आप डेली दिखाती हैं, जो इलाहाबाद से हैं उनका हाथ तोड़ दिया गया। इलाहाबाद जो कि फूलपुर उन्हीं का, केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, मतलब वहीं से चुनाव लड़ते हैं, जब उनके क्षेत्र में हो रहा है तो किस मुँह से जाएँगे पिछड़ा सम्मेलन करना? जाएँ, हम इनको बताएँगे। 69,000 शिक्षक भर्ती 75 दिन का दर्द अगर केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखा है तो ये पिछड़े के नेता नहीं है, यह साबित हो जाएगा जिस दिन ये पिछड़ा महासम्मेलन करेंगे। क्या कहेंगे जो 6 तारीख को महा आंदोलन होने वाला है उसके बारे में? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन ना हो और सरकार अच्छे से हम लोग को मिठाई खिलाए, जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष वाले में और BDC ब्लॉक प्रमुख वाले में खिलाई थी, खिला के भेज दे, अपनी गलती स्वीकार कर ले कि हाँ हमने गलती की। अगर ये घमंड में रही कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे, तो जब 6 तारीख को जो आंदोलन होगा उसकी सारी जिम्मेदार तो पहली बार सरकार होगी, खासकर सतीश द्विवेदी होंगे। अगर वो उन्हें तो अपने पद से त्याग दे देना चाहिए कि जो है हमारे ऊपर इतनी बात उठ रही है, हमें चोर कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा गया उनको, क्योंकि वो इस काबिल हैं। अगर हम लोग गलत होते, लिस्ट एक बार खोल देते, हम लोग कब का भाग जाते कि ये लोग गलत हैं क्या है, कभी एजेंट बताते हैं कभी। आज हमारे पास आपको हम बता रहे हैं सभी संगठनों का समर्थन है। कल हमारी बात हुई लीलावती कुशवाहा जी से, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे अयोध्या की हैं, उनसे बात हुई, वो भी समर्थन पूरा है, उन्होंने बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से बात की, हमारे चंद्रशेखर भाई जो हम लोग के साथ ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे, जो ज़मीन पर लेटे और उन्होंने अपने कई बातें बैठ के हम लोग के साथ शेयर की, और उनका पूरा समर्थन है। सबसे ज़्यादा सबसे पहले वो आए, समर्थन दिए, एक बार आए चले गए थे। कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जी आए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी नंदकिशोर बघेल जी आए थे, सरदार सेना, किसान मोर्चा जी, और जो जितनी भी महासभाएं हैं, जितने भी संगठन हैं OBC SC समाज के, जो हम लोग को समाज को उठाने का काम करते हैं, अगर जो समाज जो बचे हुए हैं और जो समाज के लोग हैं, संगठन को छोड़कर लोगों को जागना चाहिए। हम शिक्षक हैं, शिक्षक राजनेता पैदा करता है, अधिकारी पैदा करता है, पुलिस, सिपाही, दरोगा, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं, भारत का सिस्टम चलता है राष्ट्रपति तक, वो जो है हमारा शिक्षक पैदा करता है। आज शिक्षक अगर हक मारोगे आप, अगर हम शिक्षक सबको ये पढ़ाने पे आ गए कि 2022 में आपको क्या करना है, तो आपकी धोती खुल जाएगी। ये तो सही है, अगर शिक्षक चाह गए तो आप ये चीज़ सोचिए कि हम शिक्षक हैं, अगर हम लोगों को बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपकी लुटिया डुबाने में टाइम नहीं लगेगा हमको। तो आप बस इतना ही है कि 5 सितंबर है, अच्छे अच्छे से विदा कर दो, वरना 6 सितंबर को आप लखनऊ की सड़कों पर विधानसभा देखेंगे। आप जितने भी चीज़ें हैं देख लीजिएगा, जगह नहीं मिलेगी, इनकी ना फोर्स आर्मी कुछ नहीं काम आएगी। बस अपनी आपको यहीं विराम देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने बोला कि 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, अगर उस दिन तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 6 तारीख को लखनऊ की सड़कों पर महा आंदोलन होगा, युवा आंदोलन होगा, और इस आंदोलन की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।